वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2019 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की फिल्म सिम्बा का 600, जिसकी हिंदी डब वर्जन की जो प्रीमियर है वो G5 पर ऑलरेडी हो चुकी है और इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन में नाम रखा गया है दी वांडर डॉग सिम्बा। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो भाई ये फिल्म G5 पर अवेलेबल है। उसके साथ साथ इस मूवी का जो लिंक है वो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, आप वो जाकर इस मूवी को भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद ये मूवी मुझे कैसा लगा है, ये मूवी आपको देखना चाहिए या फिर ना चाहिए, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इससे ज्यादा बात ना करते हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिम्बा, जो कि साल 2019 में रिलीज हुई तमिल लैंग्वेज की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसके लीड रोल पर नजर आएंगे भारत, प्रेम जी अमीरान, भानुश्री मेहरा के अलावा और भी काफी सारे कलाकार। बात करते हैं तो इस मूवी को डायरेक्ट कौन किया था, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था अरविंद श्रीधर। अब दोस्तों, बात करिए फिल्म मुझे कैसा लगा, ये फिल्म मुझे ओके सा लगा जी दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीजन है। तो अगर आप इस रीजन को जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। तो पहले बात करें इस मूवी की स्टोरी की, मैं पर स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत आइडिया देता हूँ। फिल्म की कहानी महेश के कैरेक्टर की घूमती है, जो कि अकेले रहते हैं और उसके साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा नशा करता है। नशा के मतलब ये कि वह बीड़ी के अंदर कुछ डालते हैं और उसको फूंकते हैं, जिसकी वजह से उसके दिमाग पूरी तरह से घूम जाते हैं हमेशा से। तो कहानी आगे बढ़ते जब उसकी पड़ोसी, जिसका नाम है मधु, उसका एक डॉग है जिसका नाम है सिम्बा। अब मधु सिम्बा को लेकर ये बोलते हैं कि भाई महेश, तुम मेरे डॉग को एक दिन संभाल लो, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। तो महेश सिम्बा की जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो लेने के बाद सिम्बा और महेश के बीच में दोस्ती हो जाती है। तो आगे जाकर उन दोनों के अंदर जो सारे कहानी घटती है और उसके साथ साथ महेश कैसे मधु के प्यार में पड़ती है, यही सब चीजों को जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ती है। लेकिन कहानी जितना सिंपल लग रहा है, ये कहानी उतना ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि महेश जब सिम्बा को देखते है और देखने के बाद वो सिम्बा को एक आदमी समझते है, डॉगी नहीं, क्योंकि महेश ऑब्वियसली नशा किया है, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता है कि भाई सिम्बा कोई आदमी है, डॉगी नहीं है। तो दोनों आपस में बातें करते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो प्लॉट था वो काफी अच्छा था और इस मूवी का जो प्लॉट है वो मुझे काफी पसंद भी आया है। उसके साथ साथ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले था वो ठीक था, यानी कि फर्स्ट हाफ में स्क्रीन प्ले काफी ठीक था। लेकिन वही पर बात करें इस मूवी की सेकंड हाफ की स्क्रीन प्ले की, तो इस मूवी का जो सेकंड हाफ की स्क्रीन प्ले वो काफी ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से आपको बोरिंग फील भी आता है। और इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है, इस मूवी के जो कैमरा वर्क है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको छोटा मोटा VFX का काम देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफी हद तक खराब है। अब बात करें इस मूवी के अंदर की कॉमेडी की, तो इस मूवी के अंदर आपको जो कॉमेडी देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि महेश और सिम्बा के बीच में जो कॉमेडी आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। इस मूवी की एक चीज मुझे काफी पसंद आई है, वो इस मूवी की एडिटिंग है दोस्तों, क्योंकि इस मूवी का जो एडिटिंग है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और खास करके ऐसे क्वालिटी के एडिटिंग आपको बहुत ही कम फिल्म में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप इस फिल्म की कॉमेडी की सेक्शन को पकड़ लो, तो इस फिल्म का जो कॉमेडी का सेक्शन है वो काफी अच्छा है, लेकिन इस मूवी की जो लव एंगल है वो उतने ज्यादा खास नहीं है, यानी कि एकदम सिंपल और रूटीन लव स्टोरी है, जो कि मुझे पसंद नहीं आया है। उसके अलावा बात करें कलाकारों की एक्टिंग की, भाई इस मूवी के अंदर कलाकार ने जो एक्टिंग की है वो अच्छा था। दोस्तों, इस फिल्म की क्लाइमेक्स में आपको जो इमोशन देखने के लिए मिलते हैं वो काफी ज्यादा अच्छा है और खास करके इमोशन मुझे काफी पसंद आया है। और दोस्तों, इस मूवी की रेटिंग 18+ है, यानी कि इस मूवी को आप अपने मैच्योर फैमिली मेंबर के साथ देख सकते हैं, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक गाना आता है जो कि उसी टाइप का है। और इस मूवी का लेंथ है वो लगभग 2 घंटे की लेंथ है और इस 2 घंटे की लेंथ के हिसाब से ये मूवी ठीक था। दोस्तों, ओवरऑल अगर देखें सिम्बा या फिर बोला जाते दी वंडर डॉग सिम्बा एक ऐसी मूवी है जिसे आपको एक बार चेकआउट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस मूवी के अंदर की जो कॉमेडी है वो आपको थोड़ी बहुत इंप्रेस करने में कामयाब रहते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके पास टाइम है और अगर आप एक कॉमेडी मूवी देखना चाहते हैं जो कि हिंदी डब में अवेलेबल हो, तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया था तो आपको मूवी कैसी लगी थी वो हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो भाई इस फिल्म का जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और ये फिल्म ऑफिशियल है G5 पर हिंदी डब वर्जन में अवेलेबल है। तो सुनिए आज की वीडियो पसंद आए जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ ही साथ बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना था, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, टाटा।